हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिंदगी एक सफ़र बाय आयुषी। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ सुमाड़ी गांव में। मेरे बुआ लोग के यहाँ भी सप्ताह है, तो वो सप्ताह अटेंड करने जा रहे हैं। सो आपको दिखाएंगे सुमाड़ी का पूरा व्यू। और बहुत ही प्यारा गांव है, बहुत ही अच्छा गांव है, और पुराने कल्चर ट्रेडिशन से रूबरू कराएंगे आपको गढ़वाल के। सो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। फ्रेंड्स, हम आ रखे हैं ताऊजी ताई जी के घर पर, और जल्दी निकलेंगे हम सुमाड़ी के लिए। और ये ताई जी लगी हुई है अपने काम करने में, और भ्राता श्री यहाँ नहाने जा रहे हैं, और बहना श्री यहाँ बर्तन मांज रही हैं, और हम तो भाई हम हैं, बाकी सब पानी कम है। गंगू तेलिया। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ मुलाकात कराते हैं ताऊ जी के घर पे। यहाँ पर कौन कौन है? सो ये हैं ताई जी, बर्तन ताई जी बर्तन धो रही हैं। घर बैठ के हम दिन का लंच करते थे, और यहाँ हम बर्तन धोते थे ताई जी लोग। बड़ा अच्छा लग रहा है वही चीज देख के। बड़ी ताई जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। सब अपने अपने कामों में लगे हुए, आप देख सकते हैं। ये है मेरी सबसे बड़ी ताई। ताई क्या चोड़ो? चल बल क्या चोड़ो? क्या तोर तो क्या करना? आप तोर साफ ताई यहाँ बैठ के तोर को साफ करनी है, और ताऊ जी के लिए दिन के लिए बनेगी तोर की दाल। क्यों ताई? हाँ। ये है हमारे बड़े ताऊ जी। ताऊ जी कहाँ घुमाई हो रही बेटा? बस ताऊ सुमाड़ी जा रहे हैं। ओके ताऊ जी, प्रणाम, चरण चरण चरण। सो फ्रेंड्स, अब हम निकल रहे हैं ताऊ जी ताई जी के यहाँ से, और ताई जी आज लगी हुई है बर्तन मांजने में। मैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपने भाई के साथ जा रही हूँ। सो ये है मेरे पीछे मेरा भाई अशोक नौटियाल। अबे हाय तो बोल दे। हाय। और अब हम जा रहे हैं चाचा के यहाँ पर, वहाँ से चाचा की स्कूटी पिक करके, हेलमेट, ओके, फिर हम जाएंगे सुमाड़ी, रॉक करेंगे रॉक। दोस्तों, हम आ गए हैं चाचा चाची के यहाँ पर। ये हमारी चाची मंजू चाची, और चाचा हमारे पीछे से आ रहे हैं। और यहाँ बच्चों ने हल्ला मचा रखा है कि ना नानी हमें छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पर चाचा हमारे अपनी कला दिखाएंगे। यहाँ पर स्कूटी लेके जाएंगे चाचा। ये देखिए डैन टेड़े। और ये हमारे चाचा लेके आ गए हैं स्कूटी। अरे नीचे कौन है? आलू बैठी हुई, आलू नीचे की बैठी हुई, उसको घुमा रहा है। ये अपनी नातिन को घुमाते हुए वो देख रहा है कैसे बैठी है, एक चक्कर काट के ला रहे हैं कागे। ये देखिए आप दोस्तों, मैं और अशोक हम लोग जा रहे हैं सुमाड़ी। तैयार है आप? तैयार है ये रिस्क लेने के लिए? बिल्कुल। स्कूटी में? बिल्कुल। हमारी दीदी हमें विदा करने आ रही है। दीदी आप दूध के परनी पकड़े। बाय। तेल भी नहीं है, बताओ कैसे चलेंगे हम। चाचा चाची भी पैदल पैदल मार्केट पहुंच ही गए हैं, और हम लोगों ने यहाँ से फ्रूट्स लिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं वापस। यहाँ से शुरुआत होती है हमारी बुगाणी रोड की। ये हमारी बुगाणी रोड। भाई बहन दोनों निकले हैं अपने सफ़र पर, अपनी सवारी पर सुमाड़ी की, और बड़ा मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए बर्फ़ के पहाड़। और अब आपको दिखाते हैं अपना श्रीनगर शहर। वो रेलवे का पुल है, ये जो पुल आप देख सकते हैं। यह ताऊ जी की स्कूटी, वो है हमारी स्कूटी, और अब हम मिलेंगे, मुलाकात करेंगे आपसे धरी गांव में। आप लोग बने रहिए। और ये हमने एंट्री ले ली है धरी गांव के लिए, और आगे आएगा हमारा धरी गांव। ये हमारे बच्चे, हेलो। और फ्रेंड्स, यहाँ से जो नीचे की सड़क जा रही है, ये जा रही है हमारे धरी गांव के लिए। वो है हमारी भगवती का मंदिर, और दूसरा वाला मंदिर वो है हमारा ताऊ जी का घर। हम जाएंगे यहाँ से सुमाड़ी के लिए। फ्रेंड्स, ये है डिगल गांव। और फ्रेंड्स, ऐसे ही झूमते झूमते हम लोग पहुंच चुके हैं सुमाड़ी में। और दो रास्ते हैं सुमाड़ी के, हम लोग पूरा गांव कवर करेंगे, क्योंकि जहां मेरी बुआ के यहाँ सप्ताह हो रही है उसका शॉर्टकट भी है,
और हम गांव के बीच में से होके जाएंगे, जिससे आपको पूरे गांव दिखा सकें कितनी आबादी है यहां पर, और यहां पर मंदिर भी है, सबकी झलक आपको दिखाएंगे। यहां से शुरुआत होती है हमारी सुमाड़ी की। ये भाई आराम से, भाई देखिए कितनी पतली रोड है गांव की। अभी यहां तो हम हमेशा पैदल गए हैं, तुझे पक्का विश्वास था जी यहीं गए हैं? हाँ आराम से चला भाई हिमा। देखिए फ्रेंड्स कहाँ चला रहे हैं हम स्कूटी, आराम से आराम से। ये है सुमाड़ी, पहले जमाने में ऐसे धै लगाया करते थे जोर जोर से बोल के। तो ये है मंदिर। सो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं सुमाड़ी गांव में, और देखिए कितना हरा भरा गांव है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, इतनी आबादी है ना यहाँ पर, बहुत लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर पठाले वाले मकान से कंक्रीट मकान बना दिया है, यहीं पर अपना रह रहे हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और वहाँ ऊपर बुआ के यहाँ सप्ताह हो रही है, टॉप में हमें वहाँ जाना है, बट हमने सोचा क्यों ना आपको पूरा गाँव की कवरेज करके दिखाएं। ये देखिए फ्रेंड्स गांव में घंटी, किसी को बुलाना होता है या कोई मीटिंग है जो भी होता है तो उसके लिए यहाँ पर इंतजाम कर रखा है पूरा घंटी का, पूरे गांव वालों को बताने के लिए कि आरती शुरू हो गई है। सारी ली ताई क्यों नहीं ली? सो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं तिवारी, हमारे पहाड़ में देखिए कितना प्यारा घर है। और ये गांव की एक ताई जी हैं जो हमें पानी दे रही हैं। ऐसे चलते चलते हम आ रहे थे पैदल पैदल, और मैंने बोली ताऊ जी कितनी दूर है, पीस लगनी। और पीछे बॉडी ने सुना कि पीस लग रही है, तो बॉडी ने बोली आ बाबा पीस लगनी, मैं तेरे पानी दे दूँ, तुझे प्यास लग रही है मैं तुझे पानी देती हूँ। और यहाँ ताई जी ने जग दिया, पानी दिया। ये होता है अपनापन गाँव का ना, कि आप सब आपके अपने हैं, किसी के मन में किसी को लेके कुछ भी नहीं, एकदम तो बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। चिताई तब मिल दे आपने मथी, ठीक। अब हम चल रहे हैं ऊपर की ओर दोस्तों, मंजिल दूर नहीं है, हमें वहाँ जाना है और अब हम पहुँचने ही वाले हैं। और दोस्तों किसको बोलते हैं कंडाली, बिच्छू घास। छोटे में जब हम अपना होमवर्क नहीं करते थे ना, तो हमारे माँ बाप क्या करते थे, इसको काट के एकदम, ये कोई गलत काम किया, गलत काम हमने किया तो ये ऐसे लोग हमारे ताऊ जी मम्मी पापा लोग हमें कूट कूट के इसी को लगाते थे हमें, और इसे काटने से ऐसा दर्द होता है, इसको जहर शरीर में रहता है। ओहो सुन ही लिया होगा आपने, दर्दनाक घटना। चलो 24 घंटे तक इस बिच्छू घास का जो होता है जहर शरीर में रहता है, झंझनाहट झंझनाहट। और हम लोग बुआ के यहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ कथा हो रही है, और यहाँ व्यास जी बैठ के कथा कर रहे हैं। योग जीने के लिए नहीं, ये योग के लिए जीने को बोल रहा है, ये जीने के लिए योग नहीं करवा रहा। यहाँ पर व्यास जी कथा कर रहे हैं और पीछे इन लड़कों का मैच चल रहा है, सब लीन हो रखे हैं मैच में, दोनों चीजों का आनंद लिया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा भागवत का, थोड़ा थोड़ा मैच का। दोस्तों हम लोग वापसी कर रहे हैं क्योंकि अभी शाम हो रही है, और हम लोग स्कूटी में आए हैं, 5 बज चुके हैं, कहीं बाग ना में खा जाए। सो अब हम वापस निकल रहे हैं अपनी मंडली। ताऊ जी आ गए कि नहीं आए? ताऊ जी ठीक है। और ये देखिए आप गाँव, तो दोस्तों ये है तिवारी, ये जो हमारा गढ़वाल का ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको रिप्रेजेंट करता है। हर घर में आपको ये तिवारी देखने को मिलेगी। हाँ बड़ी, ये हमारे साथ यहाँ पर एक बॉडी है, तो वो बताएंगे हमें तिवारी का क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशन है।
क्या बोल ना तिवारी तिवारी क्या है तिवारी के बारे में ताक दे दो पुराने डिजाइन की जो है मकान अच्छा पुराने डिजाइन की मकान है या अच्छा 100 साल हो गए हैं बॉडी कह रही है तिवारी को और 100 साल से ऐसा ही देखा है उन्होंने तिवारी को तो चलिए आगे चलते हैं और ये देखिए दोस्तों आप यहाँ पर बॉडी हैं ये लोग तोर को कूट रही हैं बॉडी क्या चो ओणो यक तोर कुटिया नीचे तोर कुटी नीचे अच्छा आप क्या ओलो क्या वणा भी कुटिया ओलो तब फट गए ओलो भैसी वण तब मोगरे एकते तब गाम जारे ओलो तब दाल खाना सास्ते दिखोगा अच्छा ये है बीज इसको कूट के बीज अलग हो जाता है देखिए तो देखिए गांव के लोग कितना मेहनत करते हैं है ना हम लोग क्या करते हैं मार्केट से सीधा जाके दाल खरीदते हैं पर उसके पीछे का जो हार्डवर्क है उस दाल को आप देख सकते हैं कैसे कुटाई हो रही है दाल की और इसमें से दाल के पीस अलग कर दिए जाएंगे है परखुंडा आप देख सकते हैं इसको क्या करते हैं जो गाँव के लोग होते हैं क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में धूप कम आती है ना तो ये गायों के लिए स्टोर करके रखते हैं अपनी और इसका यूज करते हैं सर्दियों में या अगले साल बरसात तक इसका यूज कर सकते हैं और इसको हम बोलते हैं पठाले वाला मकान ये आप देखिए पहले जमाने में गांव में ऐसे मकान होते थे पठाले वाले ये देखिए फ्रेंड्स माल्टे आपको हर नेचर से जुड़ी हुई चीज मिलेगी गांव में ये देखिए ये मेरे ताऊ को पपीते का पेड़ भी दिख गया यहाँ पर ये है फ्रेंड्स पपीते का पेड़ ये है पपीते लगे हुए सब कुछ मिलेगा आपको गांव में दाल से लेके सब्जी से लेके माल्टे से लेके पपीते से लेके सब कुछ मिलेगा यहाँ पर ये देखिए लोगों ने गाय पाल रखी है केक ये गाय का केक और यहाँ चूल्हे में पानी गर्म हो रहा है तो दोस्तों अभी मैं खड़ी हूँ सुमाड़ी गांव में और मेरे साथ बने यहीं पर जो अंकल रहते हैं सुमाड़ी गांव में और ये हमें बताएंगे यहाँ पर क्योंकि एक सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे सुमाड़ी की ये लगी कि ये गांव सबसे डेवलप्ड गांव है ना पूरे उत्तराखंड का सबसे डेवलप्ड गांव है और आप बताइए इसके बारे में ऐसा क्या है मतलब इतना संस्कृति से लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर अपनी कि भले ही वो शहर चले गए फिर भी उन लोगों ने अपने यहाँ पर मकान बना रखे हैं यहाँ पर रहते हैं और कैसे रोजगार चलता है उनका लोग का ऐसा है सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि मतलब जो है अपने अपने धंधों पे सभी लोग मतलब जो है कोई पेंशन वाले हैं और कोई ये लगा लो कि अभी नौकरी पर चले रहे हैं किसी का अपना बिजनेस है कोई मतलब जैसे जो डेयरी फार्म वगैरह किसी ने खोल रखे हैं तो अपने अपने जो हैं सबका जो नौकरी कर रहे हैं ना वो अप डाउन करते हैं श्रीनगर से डाउन हाँ डेली अप डाउन करते हैं अपने सुबह अपनी गाड़ी लेके जाते हैं शाम को अपने घर में आते हैं तो उनका ये रोज का अपना रोटेशन यहाँ पे बना हुआ है अपनी संस्कृति अपनी मातृभूमि से जुड़े रहना चाहिए वो कल्चर आपको इस सुमाड़ी गाँव में देखने को मिलेगा हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है कि ये लगा लो कि यहाँ पे एक नौटियाल जी हैं जो कि देहरादून में हैं डॉक्टर नौटियाल जी हड्डी वाले फिर डॉक्टर जो है एक दूसरे हैं जो ये ENT सर्जन है ना वो भी लगा लो पर उन्होंने अपने यहाँ मकान आप देखो फर्स्ट क्लास मकान बना रखे हैं हाँ, डॉक्टर लोग बाहर रह रहे हैं परंतु उन्होंने पूरा अच्छे से मकान अपना यहाँ पर बना रखा है सुमाड़ी में फर्स्ट क्लास मकान बना रखे हैं और उनको इतना लगाव है कि यहाँ भी अब परसों दिसंबर के महीने में यज्ञ होगा यहाँ एक साल छोड़ के क्या है देवी भागवत होता है और यज्ञ हर साल होता है तो जितने चाहे वो बाहर फॉरेन में बसे हैं विदेश में बसे हैं वो सब यहाँ आते हैं अपनी जगदम्बा के पास सब लोग आते हैं मतलब जो है तो ये सबसे बड़ी चीज़ है फिर क्या है कि अब आगे के लिए एक सिस्टम ये भी बन गया है कि हमारे यहाँ जैसे रामलो होगी तो उसने कहा जितने भी गाँव के लोग हैं सबका खाना जो है यहाँ पे इकट्ठा बनेगा सब लोग यहीं पर और जो बुजुर्ग यहाँ पर आ ना सकते उनको क्या है उनके घर में वो खाना भेजा जाएगा ये मोहन काला जी का मतलब जो है संकल्प है कि मतलब मेरी तरफ से किया जाए तो ये मतलब इतना लगाव है दोस्तों इससे हमको ये प्रेरणा मिलती है कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये बोलना चाहूंगी आपकी मातृभूमि पितृभूमि जो आपकी गांव है उससे अटैचमेंट रखिए अपना कुछ नहीं हो तो आप नहीं कभी नहीं पर साल में एक बार विजिट करिए है ना तो ये तो था हमारा पूरा सुमाड़ी का व्लॉग और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया सुमाड़ी गाँव का सबसे बेस्ट डेवलप्ड गाँव का ऑल ओवर उत्तराखंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में।